Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब लोग? अभी देखो सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आज की जो वीडियो है वो समर के लिहाज से मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश किस्म की शर्ट की कटिंग बताऊंगी। जो आपको पता है कि आगे ईद आ रही है तो ईद के लिए भी हमें कुछ स्टाइलिश किस्म के कपड़ों की ज़रूरत है, और आजकल आपको पता है कि गर्मियाँ हैं तो समझ में आपको पता है ना कि इस तरह के कपड़े चाहिए जो इंसान को कम्फर्टेबल भी लगे और गर्मी भी उसमें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो, इतनी ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ईद आ रही है और ये बड़ी ईद है और इसमें किचन में सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमें जो है वो डिसेंट लुक भी चाहिए, स्टाइलिश लुक भी चाहिए हमें, और हमें इस तरह से हमें जो है ना वो इस तरह के हमें कपड़े चाहिए जो हमें कंफर्टेबल भी हम फील करें, उसमें स्टाइलिश लुक भी आए और बहुत ही कम खर्च में हमारे कपड़े जो बनकर तैयार भी हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों को ज़्यादा सारे कपड़े बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, बातों में आपका इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की जाने से पहले आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, इस पर कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो है ना वो 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट बना रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से जो है ना वो 4 तह में ना इस तरह से मैंने कर लिया है इसको, ठीक है। आपने भी इसको जो है ना वो 4 तह जो है ना वो कपड़े की आपने जो है वो इस तरह से लगा लेनी है, इस तरह से जो है वो आपने रख लेना है कपड़े को, ठीक है। ये जो मैं आपको शर्ट जो है इसकी कटिंग जो है वो बता रही हूँ, ये बहुत ही स्टाइलिश किस्म की है। आप इसका चौक जो है वो ओपन भी रख सकते हैं और आप इसकी चौक जो है ना वो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चौक ओपन के लिए ओपन ही बनाऊँगी, कटिंग करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ जो है ना वो इसको जो है वो बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने 4 तह में कपड़ा रख लिया है और इस तरह जो लेंथ है ना इसकी वो 2 तह में आ जाती है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना ये हमारे पास कपड़ा जो है ना ये देखिए 43 इंच है, ठीक है ना। हमें इसकी लेंथ जो है ना वो 42 इंच चाहिए तैयार, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम इसका जो है वो ये जो है इन दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे, पहले यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके हम इसके दोनों पार्ट्स जो है ना वो कपड़े के जो है ना वो अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि फ्रंट का डिज़ाइन जो हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ और बैक का जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाना है, जिससे इसकी शर्ट जो है ना इसकी एक तो बहुत ज़्यादा खुलापन भी इसमें नहीं आएगा और बहुत ही स्टाइलिश इसकी और डिसेंट लुक आएगी। और ये बच्चियों को भी आप बना के दे सकते हैं, खुद भी पहन सकती हैं, मेरी बहनें भी पहन सकती हैं, और इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा हेल्दी लोग जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे जो है वो हम लेडीज़ का जो है ना वो पेट वगैरह जो है वो थोड़ा बाहर निकल आता है, तो उसकी वजह से जो है वो ये भी इसमें कवर आ जाएगा, ये इस तरह के ये आपको बहुत ही डिसेंट लुक देगा। तो चलिए फ्रेंड, अब इसका हमने इसको अलग कर लिया है, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से हमने इसको अलग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है इसके पार्ट जो है वो अलग कर लिए हैं। अलग करने के बाद इस तरह से हमने इसकी जो है ना वो तह जो है वो लगा लेनी है आपने इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि ये हम चुनट वाला जो है शर्ट का जो है वो डिज़ाइन जो है ना वो करेंगे कटिंग करेंगे, तो इसकी मैं फ़ोटो जो है ना वो इसके साथ अटैच कर दूँगी, ताकि आपको इसको समझने में जो है ना वो आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जो है वो आपने इसको कर लेना है, इस तरह से आपने देखें फ्रेंड्स, हमने इसका जो इसको ना इस तरह से हमने कपड़ा जो है ना इसको हमने कर लेना है कि इसमें ना कोई भी सिलवट वगैरह, आपको पता है कि ये लॉन फैब्रिक है तो इस तरह से ये जो है ना वो इसको हम करें तो ये इस तरह से जुट जाता है, लेकिन आपने जो है ना वो इसको, मैं तो लॉन के ऊपर बना रही हूँ, आप इसको कॉटन के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अगर रेशमी पहनना पसंद करते हैं तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल गर्मियाँ हैं इसलिए बेस्ट जो है ना वो फैब्रिक जो है ना वो यही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम मैं इसकी जो है ना इसमें से जो मैंने बॉडी जो है वो बनानी है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 13 इंच बनानी है, ठीक है। ये इसके फ्रंट जो है ना वो आपने इसका 13 इंच जो है ना वो बनाना है, हमने 12 इंच बनाना है तो 1 इंच जो है ना वो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, तो 13 के ऊपर जो है वो हम इस तरह से जो है इसको निशान लगा लेंगे, ठीक है। 1 इंच जो है वो मैंने स्टिचिंग के लिए लिया है, ठीक है। इस तरह से ये जो डबल है ना, डबल कपड़ा जो है ना, ये डबल को ना आपने ना इस तरह से रख के, तो यहाँ पर आपने ना ये जो है ना वो 10 इंच तक जो है ना वो आपने यहाँ जो है ना
है, इसको लेना है 10 इंच तक, ठीक है। ये आपने इधर 13 के ऊपर इसको निशान लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना हमने यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो इस तरह से 13 इंच पर हमने इसको मार्क कर लेना है। इस तरह से जो है ना वो आपने इसको निशान कर लेना है कि हम कपड़ा जो है ना इसका पार्ट जो है ना वो हम इस तरह से जो है ना वो हम अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो कपड़ा है ना आपने इसको निकाल लेना है। देखिए वैसे तो हम आमतौर पर इतने निशान नहीं लगाते, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए जो है ना मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब हमने इसके यहाँ से जो है ना यहाँ तक इसकी जो है ना वो हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ना इस तरह से मैंने इसको ना इस तरह से ये जो कपड़ा है ना इसकी मैंने इस तरह से जो है वो कटिंग जो है वो कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो पार्ट है ना इसको हम इस तरह से ना अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से जो है वो निकाल चुके हैं। निकालने के बाद आपने ये देखना है कि आपकी जो है वो शर्ट जो है ना वो किस हिसाब से जो है ना वो उसकी जो है ना वो ऊपर से आपने जो है ना वो चेस्ट से ना किस हिसाब से जो है ना उसको रखना है। जितनी भी आपकी शर्ट की चौड़ाई होगी इस तरह से जो है वो आपने कपड़े को पहले इस तरह से जो है वो आपने करना है, रखना है। उसके बाद ये कपड़ा है जो हमने इसमें से निकाला था, आपने अपने हिसाब के साथ अपने हिसाब के जितना भी आपको जो है वो आपकी चेस्ट की जो चौड़ाई है उस हिसाब से जो है ना वो आपने ले लेना है, ठीक है। इस तरह से जो हमने इसमें से कपड़ा निकाला है उसको अपने हिसाब से आपने जो है वो सेट कर लेना है अपनी फिटिंग के हिसाब से, ठीक है। मैं ये 12 इंच ले रही हूँ, तो आपने अपने हिसाब से इसको ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना वो इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से इसको जो है ना ये देखें, इसको इस तरह से हमने यहाँ पे जो है ना इसको इस तरह से जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने इसको अटैच कर देना है इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है वो ये चुनट आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपने अपने कंधे और जो भी आपने जो है वो ये चीज़ जो चेस्ट वगैरह जो आपने निकालनी है वो यहाँ से आपने निकालनी है। पहले आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इसके जो कंधे की जो है वो तीरे की कटिंग वगैरह जो है ना वो आपने बाद में करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी बैक की कटिंग भी बता देती हूँ कि बैक आपने कितने इंच रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ना वो बैक का कपड़ा है, ठीक है। इसको भी हमने जो है वो इस तरह से रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है ना वो इस तरह से कपड़ा जो है वो रख लेना है। दोबारा फिर से आपने इसी तरह की मेजरमेंट जो है वो करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से इसको जो है ना वो 10 इंच जो है ना उसके ऊपर आपने ना इस तरह से इसको जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से जो है ना इसको 13 इंच के ऊपर, 13 इंच तो हमने फ्रंट रखा था ना, बैक जो है ना उसको हम जो है ना वो 16 इंच के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए 16 इंच के ऊपर आपने इस तरह से जो है इसको मार्क जो है कर लेना है। आपने इस तरह से जो है ना इसको कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको 15 इंच भी रख सकते हैं, 16 इंच भी रख सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन आपने इसको जो फ्रंट है ना उससे आपने इसको लेंथ में ज़्यादा रखना है। फ्रंट की जितनी हमारी ये जो बॉडी है ना इसकी लेंथ है ना उससे आपने इसको 2 इंच आपने इसको ज़्यादा रखना है। लेकिन आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा या आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच का आप फर्क डाल सकते हैं। 1 इंच जो है ना वो आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही ये प्यारा लगता है। आप इसके ऊपर कोई भी मोती वगैरह कुछ भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इस तरह से जो है ना वो इसकी कटिंग जो है ना वो भी आपने कर लेनी है। जहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपने इसको यहाँ से ना इस तरह से जो है इसकी कटिंग जो है ना वो आपने कर लेनी है। इस तरह से आपने इसकी जो कटिंग है ना वो करनी है ऐसे, ठीक है। ये जो है ये हमारा बैक का पार्ट है, ठीक है। बैक जो है ना वो हमने फ्रंट से ज़्यादा रखना है लेंथ में, ठीक है। ये जो हमारा बॉडी का पार्ट है ना वो हमने इसका ज़्यादा रखना है। इसी तरह से आपने इसको भी इस तरह से जो है वो इसकी चुनट डाल लेनी है। इसको भी आपने इस तरह से 12 इंच रखना है। जितना आपने फ्रंट का पार्ट रखा होगा इसको आपने कम कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कर लेना है और ऐसे आपने इसको जो है ना वो अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इस तरह से आपका आपकी ये जो शर्ट है वो इस तरह से आ जाएगी।
फिर आपने इसको ये देखना है कि आपकी शर्ट की जो फिटिंग है वो कितनी है यहाँ से, ये आपका बैक एरिया है, फ्रंट जो है वो आपका इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। फिर आपने इधर से इसका जो है कंधा वगैरह और इसका यहाँ से तीरा वगैरह जो है ना उसकी मेजरमेंट आपने इसकी स्टिचिंग के बाद करनी है, इसकी चुनट वगैरह यहाँ पर आपने इस तरह से डाल लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो अपना कंधा जो है उसको लेना है, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से अपना तीरा और इस तरह से जो है ना वो आपने लेना है, और आपने इस तरह से अपनी फिटिंग जो है ना वो इसमें से निकालनी है। लेंथ आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है ना वो रख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो जो वो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।